हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं कोयम्बटूर किड्स अकेडमी से विक्रम नागावत संस्कृत टीचर क्लास 9th में। इससे पहले हम आपको व्यंजन संधि, जिसको संस्कृत में हल संधि करा देते हैं, उसका पाठ है इस सूत्र संधि पढ़ा रहे थे, जो आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे हम आज जो दूसरी संधि है, इसी संधि की जो दूसरी जो पार्ट है स्टोप संधि, वो आज पढ़ाएंगे। उसके बारे में हम सब जानकर प्राप्त करेंगे। देखना स्टोप संधि, स्टोप संधि, स्टोप संधि का जो सूत्र होता है वो स्टोना, स्टो होता है, स्टोना स्टो, और उसी संधि की तरह है जैसे पहले बताई थी। ये सेकंड वाली है और इसमें देखेंगे आप से, तेवरक, से तेवरक। इस तेवरक का मीन्स यहाँ पर ये ये से आएगा और यहाँ पर ये से आएगा। ये प्लस के पहले या बाद में आए और ये प्लस से पहले आए हैं तो इनके स्थान पर वो ये इनके स्थान पर इसके स्थान पर सह होगा, इसके स्थान पर टैबरक। टैबरक का मीन्स टैब, इसके स्थान पर है, इसके स्थान पर डे, इसके स्थान पर डे और इसके स्थान पर अणे, इसके स्थान पर अणे। आपको ये देखना है प्लस से पहले से या तेवर, प्लस से पहले से या तेवर। तेवर का किस तय थे दे से पहले हैं, प्लस के पहले या बाद में ये अक्षर है से और टेबल है। ये प्लस के पहले या बाद में है या फिर इतना आपको ध्यान नहीं कि कुछ शब्द इसमें ऐसे आते हैं पहले बाद वाले, वो आपको भी बताएंगे एग्जाम्पल से। इसलिए यहां पर लिखा कि
पहले या बाद में, नहीं तो इस सूत्र शक्ति में था यही था कि प्लस के बाद में होता है, लेकिन यहाँ पहले और बाद में इसलिए दिखा कि कुछ एग्जाम्पल सच होते हैं जो बताएंगे भैया, तो आप कहेंगे कि ये एक्सेप्ट तो सर प्लस के बाद में आना चाहिए, लेकिन नहीं वो आपको बताएंगे। जैसे ये नमस प्लस षष्ठ है, नमस प्लस षष्ठ है, नमस प्लस षष्ठ है, तो आप ये देखेंगे सबसे पहले कि प्लस से पहले जो अक्षर है वो क्या है, प्लस से पहले अक्षर ये है, तो यहां पर आप देखिए ये से है, प्लस से पहले से है ना, और आप देखेंगे कि प्लस के बाद में क्या है, तो प्लस के बाद में ये सह आया नहीं है, तो इसका मतलब है इसी संज्ञा का ये एग्जांपल है, तो यहां पर आप करेंगे रामस षष्ठ क्या करेंगे, रामस षष्ठ करेंगे, जैसे अब देखिए आप ध्यान से कि पेस प्लस ता, पेस प्लस ता, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर मैंने लिखा कि पहले या बाद में, उल्टा क्रम हो गया, जैसे स जो है वो प्लस के बाद में आना चाहिए था, ये स प्लस के बाद में आना चाहिए था लेकिन प्लस से पहले है, और ये त प्लस से पहले आना चाहिए था लेकिन प्लस के बाद में है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे कि से जो है वो पहले से सही है, आपको तो इस से की जगह से करना था, इस से की जगह आपको क्या करना था, से करना था, लेकिन यहां पर पहले से सह गया तो ये चेंज नहीं करेंगे, तो प्लस से बाद वाला जो अक्षर है, प्लस से बाद वाला जो अक्षर है ये आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, तो पे से ऐसे कैसे ते की जगह टे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेस्टा, क्या हो जाएगा पेस्टा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि से जो है वो पहले से चेंज है, ये प्लस के बाद वाला अक्षर है, यहां मैंने तभी लिखा पहले या बाद में, तो पहले या बाद वाला अक्षर पहले आ गया, लेकिन प्लस के बाद वाला जो अक्षर है वो पहले की जगह बाद में आ गया, तो आपको चिंता नहीं करनी है और आपको बाद वाला अक्षर चेंज कर देना है, जैसे इसी का एक एग्जांपल और, इस प्लस तह, इस प्लस तह, तो यहां पर भी वही प्रॉब्लम है जो पहले आई थी, तो इसको वैसे सॉल्व करना है, इसका भी तय का तय कर देंगे और इस तय हो जाएगा, क्योंकि से पहले से ही चेंज है अब होता है, और इस तय की जगह तय कर देंगे, इसमें विसर है तो आप भी विसर लगा देंगे, चक्री प्लस दो थे। अब यहां पर आप देखेंगे प्लस से पहले नया नहीं है, आया नहीं, प्लस से पहले है, प्लस के बाद में डे है या नहीं है, प्लस के बाद में डे है, तो ये कहता है कि अगर प्लस के बाद में ऐसा हो अवसर तो नए की जगह क्या हो जाता है, तो यहां पर चक्री, यहां पर ऐसे किसी को देंगे चक्री है, और तो कैसे कैसे लिख देंगे, जैसे कुड प्लस दहनम, आपको पता है प्लस से पहले दे का डे हो जाता है, और प्लस के बाद में भी आप देखेंगे डे, तो इसका मतलब
इसी संधि का एग्जांपल है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा उड्डयनम, क्या हो जाएगा उड्डयनम, उड्डयनम हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ये है दस प्लस त्रम, ये भी इसी संधि का एग्जाम्पल है, लेकिन उसको ध्यान से देखेंगे आप कि वही बात है कि प्लस के बाद में इसको चेंज नहीं करना है, लेकिन इसको चेंज आपको करना है, क्योंकि त्रय जो है अब होता है इस त्रय में तय आधा प्लस रह आधा, तय और रह मिलकर के आपको पता है क्या बनाते हैं, त्रय बनाते हैं, और इस तय का तय हो जाएगा, तय का तय हो जाएगा, रह हमेशा तय के नीचे लगता है, ये रह इसके नीचे लग जाएगा, तो ये अपना जो शब्द है राष्ट्र, अपना शब्द जो है राष्ट्र वो हो जाएगा। समझे आप क्वेश्चन का कि रास निश्चय जो है वो पहले से है, लेकिन प्लस के बाद में जो त्रय है वो तय और रय के संयोग से बना है, तय और रय के संयोग से त्रय बना है, तो तय का हम तय बना देंगे और ये रय जो है के नीचे लगा देंगे, और आपका जो शब्द है राष्ट्र वो ऐसे कैसे बन जाएगा, तो राष्ट्र जो शब्द है वो ऐसे कैसे बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये संधि किस प्रकार से है, व्यंजन संधि में सेकंड भाग पर आती है, इसका नाम स्टूप संधि है, इसका नाम स्टूप संधि है, और इसकी परिभाषा मान लो कि से या तैवरे, और तैवरे का पता है आपको कि तय में तय आता है, थय आता है, दय आता है, ढय आता है और नय आता है, तय थय धय ढय और नय आता है, लेकिन प्लस के बाद में से या तैवर तय थय धय ढय नय ये अक्षर है, तो पहले में है या बाद में है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस सह के स्थान पर ये सह हो जाता है और इस तय के स्थान पर तय हो जाता है, तय के स्थान पर तय हो जाता है, दय के स्थान पर ये डय हो जाता है, इस दय के स्थान पर डय हो जाता है, और इस नय के स्थान पर अणय हो जाता है, इस नय के स्थान पर अणय हो जाता है। अब आप ये भी देख चुके हैं कि रामस षष्ठ जो एग्जाम्पल है इसमें से प्लस से पहले था, इसका से हुआ प्लस से पहले से था, इसका से हुआ, तो ये रामस षष्ठ बना, एस प्लस ता है इसमें प्लस के बाद वाला जो अक्षर है वो प्लस से पहले है, प्लस से पहले है से, ये बाद में आना चाहिए, लेकिन प्लस से पहले वाला जो अक्षर अगर आ गया, प्लस के बाद वाला अक्षर पहले आ गया तो आपको चेंज नहीं करना है, ये ऐसे कैसे रहेगा से, और फिर बाद वाले अक्षर को आपको चेंज से कर देना है, तो तय का तय हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा पेस्टा, पेस्टा शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से इस प्लस तय है, इस प्लस तय है, तो यहाँ पर तय का तय हुआ, और ये से ऐसे कैसे जाएगा, तय का तय बन जाएगा और इष्टय बन जाएगा, क्या बन जाएगा इष्टय बन जाएगा। उद्ध प्लस डैम है, तो यहाँ पर दय का क्या हुआ, अड़ा हुआ, इसको डय बोलेंगे हम, क्योंकि ये प्लस के बाद में तो प्लस के बाद वाला है, और इस डे का यहाँ पर डे हो रहा है, डे का डे हुआ है, तो ये आपका उद्यय
प्रकार से जैसे रस प्लस द्रव का रस प्लस द्रव तो सेल था वो पहले था पेरिस्टेन था मतलब बाद में आया ना ये बाद में आया तो प्लस ये पेरिस्टेन था तो यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है। त्रय में आपको पता है त्रय प्लस रह आता है त्रय प्लस रह आता है और त्रय और रह आता है तो इसे त्रय बनता है और इस त्रय का त्रय बनाएंगे तो ये रह जो है इसके नीचे लगा देंगे और ये त्रय बन जाएगा और ये पहला जो शब्द है वो लास्ट का ऐसे कैसे बन जाएगा। तो ये थी आपकी स्टोत्र संधि और मेरे को जहां तक अनुभव है आपको ये स्टोत्र संधि समझ में आ गई होगी और इनको आपको लर्न करना है और इसके जो और शब्द हैं वो भी आपको सर्च करके नोटबुक में राइट करने हैं। तो ये आपके बहुत सी संधि थी और इसके साथ में स्टूडेंट संधि जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।